उस समय के दृश्य हैं, बहुत ही सुंदर दृश्य हैं बांध के पानी। देखते हैं क्या दिखता। और गजब, बहुत ही सुंदर नज़ारा। हमें बिल्कुल बांध के ऊपर इस समय खड़े हैं। बाकी में आप मेरे से दिल से पूछेंगे, मेरे को बहुत डर लग रहा है। ये व्यू पॉइंट है शायद यहाँ का, इस रिसोर्ट का। बहुत ही सुंदर रिसोर्ट बना हुआ है। चार रूम है, हमने आपको आगे से भी दिखाए हैं, और इनका बैक एरिया जो इनकी बालकनी दी गई है। चार सुबह की 8 बज रही है इस समय। हम खड़े हैं इंदौर शहर में, और इंदौर में NRI समिट चल रही है। प्रवासी भारतीय दिवस का समारोह चल रहा है 8 से 10 जनवरी, और मैं हूँ इस समय रेडिसन चौराहे पर। हमारी गाड़ी भी तैयार खड़ी है। इस गाड़ी से आज हम यात्रा करने वाले हैं इंदौर से गांधी सागर डैम की। गांधी सागर डैम मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा डैम है, और वह मंदसौर ज़िले में स्थित है। हम लोग आज जा रहे हैं कार से, और आपको दिखाएंगे गांधी सागर डैम। इस समय हम इंदौर में हैं। इंदौर का ये रेडिसन चौराहा है, और ये वाला रास्ता सीधा चला जाता है उज्जैन होते हुए गांधी सागर बांध। गांधी सागर में डैम है, बाकी बहुत से रिसॉर्ट्स हैं, देखने लायक जगह है। पहाड़ी क्षेत्र है पूरा, बहुत अच्छी जगह है। ये मंदसौर मुख्यालय से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये भारत का दूसरा सबसे बड़े डैमों में से एक है, जो चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है, जिसका दृश्य बहुत ही विहंगम है। जो गांधी सागर डैम है वो हमारा अभी 58 किलोमीटर और बचा है। तो हम लोग यात्रा करते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, और अभी हम यहाँ गरोट पहुँच गए हैं। गरोट टाउन पड़ता है मंदसौर ज़िले में, और यहाँ से ये बोर्ड लगा है। हमने अभी गाड़ी में यहाँ पर पेट्रोल भराया है, और पेट्रोल भराने के बाद गांधी सागर यहाँ से भी बचा है 58 किलोमीटर। आपको बहुत मज़ा आने वाला है आज गांधी सागर देखते हुए। सामने आ गया है हिंगलाज रिसोर्ट। हम लोग अब इसके अंदर जाएंगे, देखते हैं यहाँ से क्या शुरुआत होती है गांधी सागर की। अभी इस समय हम लोग पहुँचे हिंगलाज रिसोर्ट, गांधी सागर में बना हुआ है, और उस प्रॉपर्टी को देख रहे हैं। रुकने की बहुत ही उत्तम व्यवस्था यहाँ पर दिख रही है। तो अब आपको हम आगे चल के पूरी प्रॉपर्टी घुमाते हैं। ये यहाँ से लॉबी निकल जाती है आगे की ओर। यहाँ पर रिसेप्शन एरिया है, और रिसेप्शन एरिया से आगे जाते हैं तो इस तरह पे इंडोर प्ले एरिया बना हुआ है। बहुत ही यहाँ का प्ले एरिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेबल टेनिस भी है, कैरम भी है, और सारे गेम्स हैं। बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी बनाई है MP टूरिज़म ने। आप लोग अगर कभी यहाँ आते हैं समय बिताने के लिए, तो इसमें आप रुक सकते हैं। देखते हैं और आगे क्या क्या है इसमें। प्रॉपर्टी तो बहुत बड़ी दिख रही है और अच्छी दिख रही है। जिम बना हुआ है, और यहाँ पर पूल शावर वाला एरिया है, और यहाँ पर स्विमिंग पूल बना हुआ है। पूल साइड एरिया है, आप देख पा रहे होंगे वीडियो में, बहुत ही अच्छा बना हुआ है, साफ़ सफाई बहुत है। ये पूल साइड एरिया है, जो भी गेस्ट यहाँ पर आगे रुकते हैं उनके लिए पूल बनाया गया है। सामने कॉटेज बने हैं, एक एक कॉटेज में चार चार रूम दिए गए हैं। इसको आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं MP टूरिज़म की साइट से। मध्य प्रदेश टूरिज़म का ये हिंगलाज रिसोर्ट, जो कि गांधी सागर डैम के नज़दीक स्थित है, और ऊपर से आपको चल के व्यू दिखाते हैं नदी का, जो कि यहाँ पर नदी भरी हुई है, चंबल नदी है। यहाँ से हम स्टेप से ऊपर जा रहे हैं, ऊपर से देखते हैं क्या दिखता। और गजब, बहुत ही सुंदर नज़ारा। देखिए अब कितनी नीचे है पानी, बहुत दूर दूर। वहाँ पर वो नाव भी दिख रही हैं एक दो। सामने एक पहाड़ी दीपनुमा बन गई है। बहुत ज़्यादा पानी है भाई नदी में, दूर दूर तक सिर्फ पानी ही दिख रहा है, और नीचे पहाड़ी है, उससे दूर पानी है, और शायद उस तरफ डैम होगा। अभी डैम हम जाएंगे, पता ही नहीं कहाँ है डैम। आपको हम डैम ज़रूर दिखाएंगे इस वीडियो में। तो बहुत ही विहंगम दृश्य है यहाँ पर गांधी सागर डैम का, ये जो बैक वाटर भरा हुआ है। तो आप लोग ब्लॉग में ज़रूर बनेंगे, और वीडियो लाइक किया हो नहीं किया हो तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर पसंद आता है तो शेयर ज़रूर करें। ये देखो हम लोग चलते जा रहे हैं, और ये व्यू पॉइंट है शायद यहाँ का, इस रिसोर्ट का। बहुत ही सुंदर रिसोर्ट बना हुआ है। चार रूम है, हमने आपको आगे से भी दिखाए हैं, और इनका बैक एरिया जो इनकी बालकनी दी गई है उससे पूरा व्यू आता होगा।
और ये आप सामने देख सकते हैं कितनी सुंदर पहाड़ी, बहुत ज्यादा पहाड़ी ऊपर है और नीचे बहुत ज्यादा नीचे पानी है। आप देख सकते हैं चट्टान दिख रही है, चट्टान के बाद पेड़ दिख रहे हैं, पेड़ के बाद पानी दिख रहा है और पानी भी दूर दूर तक दिखते ही जा रहा है। इसलिए इसको भारत का दूसरा सबसे बड़ा डैम बताया गया है। यह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा इसका शिलान्यास भी किया गया और 1968 में इसका उद्घाटन भी पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया है। जो रिसेप्शन में है हिंगलाज रिसोर्ट गांधी सागर, अच्छी व्यवस्था है, साफ सफाई बहुत है और यहाँ पर आप लोग आकर बैठें, फिर यहाँ पर वेट करें, इसके लिए चेयर लगाई गई हैं। और कभी भी आप आते हैं तो आप ऑनलाइन बुकिंग करके आएँ, जो MP टूरिज्म की साइड है, मध्य प्रदेश टूरिज्म का यह है, बहुत ही सुंदर रिसोर्ट है हिंगलाज रिसोर्ट। तो आप लोग अगर गांधी सागर आते हैं तो आप लोग यहाँ रुक सकते हैं, अपने बजट के हिसाब से रुक सकते हैं, जो आपका बजट हो। डैम बहुत बड़ा बना हुआ है, सामने डैम का नज़ारा दिख रहा है, रोड हमारी नीचे की ओर जा रही है। हम लोग पहुँच गए हैं गांधी सागर डैम पर, जिसका हमें इंतज़ार था। ये सामने डैम बना हुआ है, ये भैया यहाँ पर पेंटिंग कर रहे हैं। आप यहीं से गांधी सागर से ही हैं? अच्छा, आप डैम पर ही रहते हैं? जी सर। कितने वर्ष से यहाँ पर काम कर रहे हैं? हमको हो गया सर 2-3 साल। 2-3 साल हो गए। हाँ। अभी आखिरी बार डैम के गेट कब खुले थे? अभी खुले थे 2000 में, इसमें 22 में। पूरे गेट खुले थे? हाँ, 19 ही गेट खुले थे। तो कितना वाटर लेवल? अच्छा, 1313 ऊपर था। ऊपर था? हाँ सर। और पानी कितने दिन निकासी किया गया? दो दिन पानी निकासी किया। कितने वर्ष बाद ये गेट खुले थे? हर साल खुले, पिछले साल भी खुले, 19 में भी खुले, 19 में खुले थे महीने भर तक। चंबल नदी का यह व्यू, ये चंबल नदी पर डैम बना हुआ है। जो चंबल नदी, मध्य प्रदेश में दो नदियां हैं, नर्मदा जी हैं और ये चंबल है। चंबल पर इस बांध को बनाया गया है और इस बांध की एक खासियत मेरे को ये नज़र आ रही है, ये हमने किताबों में नहीं पढ़ा है, लेकिन जो मेरे को यहाँ पर अनुभूति हो रही है बांध के बीच में आके, जो ये नदी और जो बांध का भराव क्षेत्र है वो पहाड़ों के बीच में बनाया गया है। इस बांध की एक खासियत ऐसा लग रहा है क्योंकि पहाड़ों से ही पानी को रोका गया है, ना कि बनाया गया। आप ये सामने देख सकते हैं जल विद्युत गृह गांधी सागर बना हुआ है। फाइनली हम अब डैम के ऊपर ही खड़े हैं, मतलब डैम तो सामने है, डैम के ऊपर जाने की परमिशन है नहीं। तो ये जो रोड जा रही है, शायद कहीं रामपुरा मनासा की तरफ कोई रोड जा रही है, तो उस रोड पर आके खड़े हैं, व्यू ले रहे हैं यहाँ का। और आप देख सकते हैं इस पर हमें आगे अनुभूति हो रही है, वाकई में बहुत बड़ा डैम है। सामने डैम बना हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 गेट तो ऊपर दिख रहे हैं और ये छोटे छोटे जो गेट हैं बीच में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टोटल मिला के 19 गेट हैं, 10 बड़े गेट हैं और 9 छोटे गेट हैं। ये सामने पहाड़ दिख रहा है, इस पहाड़ के पीछे पूरा पानी है क्योंकि हम लोग पिछले 40 किलोमीटर दूर से पीछे से आ रहे हैं, सिर्फ पानी ही पानी दिखाया। हमने आपको MP टूरिज्म के रिसोर्ट से दिखाया भी था कि वहाँ, यहाँ से वो 15 किलोमीटर दूर है और वहाँ से भी जो एक व्यू दिखाया हमने आपको वीडियो में, आप देखेंगे, लाइक ज़रूर करें हमारे वीडियो को, तो उसमें भी वहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूर है और वहाँ से भी हमें ऐसा लग रहा था कि बस यहीं पास में डैम है, लेकिन हम जब डैम पहुँचे हैं तो 15 किलोमीटर और आगे आ गए। और इस तरफ भी जहाँ ये नदी का पानी, डैम का पानी छोड़ा जा रहा है, तो इस तरफ भी ये जो नदी बह रही है और यहाँ भी आप देख सकते हैं दोनों तरफ पहाड़ियाँ हैं, एक पहाड़ ये है, एक पहाड़ वो है और बीच में से नदी जा रही है और ऊपर से रोड दिया गया है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर एक गांधी सागर डैम, 12/9/2022 को जो लेवल लिया गया था उसका लेवल है 1308.92 फिट वाटर लेवल का ये बोर्ड लगा हुआ है। चंबल घाटी परियोजना के तहत ये बांध बनाया गया है। हमें बिल्कुल बांध के ऊपर इस समय खड़े हैं, वाकई में आप मेरे से दिल से पूछेंगे मेरे को बहुत डर लग रहा है क्योंकि नीचे जिस पुल से हमने आपको अभी बांध दिखाया था वो पुल बहुत नीचे दिख रहा है, यहाँ से बहुत ज़्यादा नीचे दिख रहा है और नीचे नदी है, नदी पर भी एक कार खड़ी है, ये सीधा रोड वहाँ निकल जाता है। और सामने इस तरफ बैक वाटर एरिया है, जो डैम के पीछे का पानी, क्योंकि डैम की निकासी इस तरफ होती है और पानी इस तरफ भरा हुआ है। आप इसको भराव को मत देखो, मैं भराव तो बहुत दूर से देखता रहा हूँ कि भराव बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये जो नीचे यहाँ से दिखा रहा हूँ मैं आपको वीडियो में, हमें भी यहाँ से डर लग रहा है, बहुत बड़ा डैम है। आप कभी आएँ गांधी सागर जरूर घूमें, गांधी सागर बांध परियोजना देखें, बहुत बढ़िया दृश्य है यहाँ का। ये बाहर जाने का रास्ता डैम के ऊपर, परमिशन मिल गई थी तो आ गए थे, अभी हम लोग गेट के ऊपर ही गए थे तो आपको हमने वहाँ से दिखाया भी था व्यू नीचे का। ये नीचे आप देखिए कितना दूर है, जो नीचे पुल है उसकी हाइट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें कितना नीचे दिख रहा है। और जो नदी सामने जा रही है,
चंबल नदी मध्य प्रदेश की बड़ी नदियों में से एक, जो कि राजस्थान कोटा होते हुए मध्य प्रदेश ग्वालियर की ओर निकल जाएगी। और ये पहाड़ों के बीच में बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये सामने इस तरफ आपको दिखा रहा हूँ मैं उंगली के माध्यम से, एक गेट बने हुए हैं। और ये सारी परियोजना गांधी सागर बांध परियोजना चारों ओर बहुत ही सुंदर मनोरम दृश्य, सुरक्षा के इंतजाम, साफ सफाई का भी ध्यान है। ये दृश्य बारिश के मौसम के हैं, जब 2022 में गांधी सागर बांध फुल डैम हो गया था उसके बाद इसके सारे गेट खोल दिए गए थे। उस समय के दृश्य हैं, बहुत ही सुंदर दृश्य हैं बांध के। पानी बहुत ही स्पीड से निकलता हुआ, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा गांधी सागर बांध का। सारे आंकड़े दिए गए हैं, औसत वर्षा इंच में कितनी है, अधिकतम ऊंचाई कितनी है, जलाशय की लाख एकड़ फूट कितनी है, बाढ़ के निकास की क्षमता कितनी है, 4 लाख क्यूसिक पानी यहाँ से निकाल दिया जाता है। आप देख सकते हैं लिखा है 5 लाख राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर का 7.5 लाख, कोटा बैराज का दिया नहीं है आंकड़ा। तो ये जो आंकड़े दिए हैं, यहाँ पर पावर हाउस यूनिट भी है,